अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। कुकिंग विद ज़ुबैदा में आप सभी का स्वागत है। आज हम बनाने जा रहे हैं मटन कीमा मसालेदार, जिसमें 6 बड़ी पोटी प्याज की हमने ले ली है, 1 टमाटर ले लिया है, ये पिसा हुआ गरम मसाला है, सभी गरम मसाले इसमें हैं, ये लहसुन अदरक का जिंजर गार्लिक का पेस्ट है, ये 3-4 चम्मच दही जाएगा, डेकोरेट के लिए नींबू, हरी मिर्ची, अदरक है और ये कटी हुई हरी मिर्ची जाएगी, ये खड़े गरम मसाले हैं, जीरा है 1/2 टीस्पून, 1 काली बड़ी इलायची है, 4-5 लौंगे हैं और 4-6 दाने काली मिर्च के हैं और ये हमारे सूखे मसाले हैं। ने कुकर चढ़ा दिया है, जिसमें इस चम्मच से हमने 1 भर के चम्मच भर के तेल ले लिया है। हमारा तेल हो गया है, अब इसमें ये सारी प्याज और लाइट ब्राउन होने तक पका लेंगे इसको। अगर आपको हमारा चैनल, हमारी रेसिपीज अच्छी लगती हैं, आप लोग लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी दबाइए और हमारा हौसला बढ़ाइए। ये खड़े गरम मसाले हमने डाल दिए हैं इसमें। धुला हुआ कीमा डाल देंगे। लहसुन अदरक का पेस्ट डाल देंगे। एक चम्मच नमक डाल देंगे और ये कटी हुई हरी मिर्च डाल देंगे और ये दही भी डाल देंगे और 1/2 गरम मसाला पिसा हुआ डाल देंगे, 1/2 बाद में डालेंगे। और ये टमाटर भी चला जाएगा इसमें। और इसमें धनिया 1 चम्मच डाल देंगे, मिर्ची आप अपने टेस्ट के हिसाब से डालिएगा, हम 1 चम्मच डाल रहे हैं। बस 1 पिंच हल्दी का।
पानी एक कटोरी डाल के इसको 20 मिनट के लिए बंद कर देते हैं। तो जब हो जाएगा तो मिलते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, हमारा कीमा गल गया है। अब इसको भून लेंगे। बहुत ज़्यादा मसाला हमने नहीं डाला है, बहुत ज़्यादा मसाला अच्छा भी नहीं होता सेहत के लिए। एकदम लाइट मसाला हमने रखा है। और ये गरम मसाला थोड़ा सा और डाल देंगे। बस हमारा कीमा रेडी है। अब इसको सर्व कर देंगे। बस ये तैयार है। इसका मेरे पास हरी धनिया कोरिएंडर लीफ ख़त्म हो गई थी, आप लोग डाल लीजिएगा। और ये नींबू, हरी मिर्ची और ये जूलियन कट में अदरक। और ये हमारा कीमा रेडी है। अल्लाह हाफिज़।